नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। आज पूरे विश्व में किसानों के हक में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भारत में भी अलग अलग जगह पर लोग प्रधानमंत्री का पुतला फूंक रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग की जा रही है। जो किसान जत्थेबंदियां और किसान दिल्ली में मौजूद हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए पंजाब भर में प्रदर्शन जारी है। आपको खबर दिखा रहे हैं मोहाली से, जहाँ आज फेरुमन अकाली दल भारत के अध्यक्ष महंत जसबीर दास सिंह और प्रियंका राहुल गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीश शर्मा की अगुवाई में कैंडल मार्च निकाला गया और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। आइए आपको दिखाते हैं सुपर न्यूज 24/7 मोहाली से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। सब तो पहला जो देशवासी सानू देख रहे ने, सुन रहे ने, उन्होंने मेरी तरफ से साड़ी संस्था की तरफ तो जो अच्छ वीर भरा इकट्ठे हुए हैं, वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। जिवें कि तुसी सब जानते ही हो कि अज का जो टाइम आ, भारत सरकार ने जो किसानों उत्ते तीन काले कानून लियांदे हुए, दो ऑर्डिनेंस लियांदे हुए आ, उस दे अंगेंस्ट जो असी प्रश्न करन जा रहे हैं, कैंडल मार्च करन जा रहे हैं, सरकार नू जगाउण लई, जो सुत्ती पई सरकार आ उहनू जगाउण लई। साडा शहीद फेरूमान अकाली दल ते राहुल प्रियंका गांधी सेना ते प्रधान जगदीश शर्मा जी साडे नाल आ, ते साडी सोसाइटी दे मोहतवर बंदे साडे नाल ने, ते होर वी मेरे पार्टी दे वर्कर साडे नाल ने। असी अज जो सुत्ती हुई सरकार आ, जो किसानों के अगेंस्ट काले कानून लिया के उन्हां दे उत्ते किसान मारू नीतियां चला रही आ, असी उन्हूं सुत्ती हुई सरकार नूं जगाना चाह रहे हैं भी हाँ, तुसीं हजे भी जाग के काले कानून वापस लै लो, नहीं तो असी प्रोटेस्ट नूं अगे भी वधावांगे, जे सानूं लोड़ पई तो असी मरण वर्त भी रखांगे। शहीद फेरूमान अकाली दल ते राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना एक पार्टीबाजी तो उपर उठ के इंसानियत के नाते इस प्रोटेस्ट दे विच किसानां दे नाल आ, ते किसानां दे नाल खड़ी है ते खड़ी रहेगी। जो भी बलिदान सानूं देना पिया असी देवांगे। बोले सो निहाल। आज पंजाब में मोहाली में राहुल प्रियंका गांधी सेना और फेरूमान अकाली दल के हमारे अध्यक्ष भाई जसवीर सिंह जी, जिन्होंने इस पार्टी को जिंदा रखा है सिर्फ इसलिए कि किसानों की और पंजाब की मदद करेंगे, और मैं समझता हूँ हमारे देश के मुखिया चौकीदार आज इस स्थिति में देश को ला दिया है कि कोई भी खुश नहीं है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, व्यापारी हो, नौजवान साथी हो, हर आदमी को रोड पर ला दिया है। उनको जगाने के लिए आज ये कैंडल मार्च, वो कैंडल मार्च में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा विश्वास रखते हैं, शायद समझ ले कि किसान ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, जो फसल बोएगा उसकी कीमत मांग रहा है, सही कीमत दें और मंडी राज रखें, और ये जो अडानी और रिलायंस के लोग आ रहे हैं इनको रोकें, क्योंकि ये आड़ती राज खत्म कर रहे हैं। आड़ती राज क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। एक किसान जब रात को कहीं समस्या से घिरा होता है या किसी ब्याह शादी में फंसा होता है तो आधी रात को आड़ती का दरवाज़ा खटखटाता है और पैसे ले आता है बगैर कागज़ सहन करे। अब जो ये लोग अडानी रिलायंस आ रहे हैं, दुनिया भर के कागज़ सहन करा लेंगे फिर भी पैसा नहीं मिलेगा। किसान 1 लाख रुपया लेता है सरकार से लोन पर, 2 लाख ब्याज दे देता है, फिर भी वो आत्महत्या करता है सिर्फ इस सरकार की वजह से। ये सरकार सरमायादार को ला रही है और किसानों को मारना चाह रही है, आत्महत्या कर रहा है। पूरा देश का किसान पंजाब के किसान के साथ खड़ा है। हम भी दिल्ली से आए हैं कि मेरे किसान भाइयों जागो, नौजवान भाइयों जागो, आज समय है, आज नहीं जागे तो समय निकल जाएगा। ये सरकार गूंगी बहरी है, किसी की नहीं सुनती है। मैं समझता हूँ देश के जो हालात बस से बदतर करती हैं ये देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ, गेहूँ अनाज आपको नहीं खरीदना, जो खरीदेगा वो अपने रेट के हिसाब से खरीदेगा, आप फिर भी किसान को क्यों तंग कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रधानमंत्री जी जाग जाओ। अगर हम आमने सामने आ गए, जो पुलिस वाले खाकी वर्दी में खड़े हैं वो भी किसान के बच्चे हैं, और इधर जो बैठे हैं वो किसान उनके पिताजी हैं, जब ये एक हो जाएंगे तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। समय है जाग जाओ, नहीं तो ये देश और ये किसान
बुरी तरह से आपको घेर लेगा, आपको पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। बोले सोनिहाल। Thank you.